हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट में राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे, आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास सिक्स के लिए है। और लास्ट वीडियो में आपके जो चैप्टर 10 है मोशन वाला था, ठीक है, और आप लोगों के वो चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। लेंथ थी आपके, डिस्टेंस थी, ठीक है, मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस इन लेंथ है, वो कंप्लीट करवा दिया था। और उसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दिए जाएंगे। आज से नया चैप्टर 13 स्टार्ट करते हैं, फन विद मैग्नेट्स। सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर। चैप्टर पे चलते हैं और बात करते हैं मैग्नेट्स के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहे, ठीक है। और टॉपिक बात करते हैं मैग्नेट के बारे में। आपको पता है कि मैग्नेट क्या है? एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ए मैग्नेट, लिखिएगा थ्योरी, ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था आप लोगों से कि मैग्नेट जो होता है एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि बाकी की जो चीजों को, यानी कि जैसे जो आयरन से बनी ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, स्टील है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। विच अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट, विच अट्रैक्ट्स, ए डबल टी आर ए सी टी एस, विच अट्रैक्ट्स, आगे लिखिएगा थिंग्स, टी एच आई एन जी एस, थिंग्स मेड ऑफ, किससे बनी हुई है, आयरन से, कॉमा स्टील, इज दैट क्लियर है। आयरन है, स्टील है, निकेल है, ठीक है, कोबाल्ट है, एन आई सी के ई एल, निकेल एंड कोबाल्ट, सी ओ बी ए एल टी, इज दैट क्लियर, फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो आयरन है, स्टील है, निकेल है, कोबाल्ट है, इनसे बनी हुई ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। मैग्नेट्स जो होती है वो किसकी, लिखिएगा मैग्नेट्स आर मेड ऑफ, ठीक है, मैग्नेट जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है, बात कर सकते हैं आयरन स्टील की होती है, आयरन कॉमा स्टील, ठीक है, क्या लिखा, मैग्नेट्स आर मेड ऑफ आयरन कॉमा स्टील और अदर अलॉय, ए डबल एल ओ वाई, ठीक है, अदर अलॉय ऑफ आयरन, ठीक है, और बाय द प्रोसेस ऑफ, ये थ्योरी आप लोगों को होमवर्क में लिखनी है, 6th क्लास के स्टूडेंट सुन लेना, ध्यान खोल करके, ध्यान दे करके और कान खोल करके सुन लेना, एक एक वर्ड, अब तक के 4-5 चैप्टर हो चुके हैं, एक एक शब्द, एक एक वर्ड, एक एक हेडिंग, एक एक क्वेश्चन राहुल सर आप लोगों के चेक करेंगे, ध्यान रख लेना। व्हाइट बोर्ड पर जो भी एक एक शब्द, एक एक वर्ड दिख रहा है, वो एक एक वर्ड आपकी कॉपी में होमवर्क है। ये जो मैं लिखता हूं ना, आप लोगों को समझाता हूं, ये होमवर्क भी है, आपको लिखना है एक एक शब्द, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, यानी कि मैग्नेट्स जो बनाई जा सकती है आर मेड ऑफ आयरन स्टील और अदर अलॉय ऑफ आयरन बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। कई सारी मैग्नेट्स होती है, आप लोगों को भी पता है, ठीक है, फुल स्टॉप लगा लिखे सम, ठीक है, सम ऑफ द जो अदर टाइप की मैग्नेट होती है, सम ऑफ द अदर टाइप्स ऑफ, सम ऑफ द अदर टाइप ऑफ, ठीक है, मैग्नेट्स कौन कौन सी है, लाइक कौन कौन सी है, हॉर्सू है, बार मैग्नेट है, एच ओ आर एस एच ओ ई, हॉर्सू, ठीक है, एच ओ आर, एक सेकेंड, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, एच ओ आर एस ई, ये तो हो गया हॉर्स, ठीक है, शू एस एच ओ ई, ठीक है, ये हो गया, आगे लिखे हॉर्सू मैग्नेट, हॉर्सू मैग्नेट कॉमा यू शेप्ड, एस एच ए पी डी, यू शेप्ड मैग्नेट कॉमा सिलेंड्रिकल मैग्नेट एंड बटन मैग्नेट, बी यू डबल टी वन, बटन मैग्नेट होती है, कॉमा रिंग मैग्नेट। अब इनके डायग्राम जो है, डायग्राम भी बता दूं आप लोगों से, बहुत इजी डायग्राम है, बार मैग्नेट का तो देख लीजिए आप लोग, इस तरीके से बार मैग्नेट होती है, ये हो गई आप लोगों के बार मैग्नेट, नीचे लिख दिया मैंने बार मैग्नेट, इज दैट क्लियर। तो बार मैग्नेट में कुछ नहीं है, बीच में से डिवाइड कर दिया ये मैंने, इज दैट क्लियर, ये हो गया बार मैग्नेट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए हॉर्सशू मैग्नेट में, क्या करेंगे आप लोग, क्या करिएगा, थोड़ा सा इस तरीके से और इस तरीके से, एक सेकेंड, हॉर्सशू मैग्नेट में इस तरीके से ले लो और इस तरीके से ले लो और ये राउंड शेप कर दो आप, ठीक है,
इज दैट क्लियर? और बाहर की तरफ आउटर में निकाल दीजिए इस तरीके से। ये हो गया आपके, ठीक है। ये कौन सी मैग्नेट हो गई आप लोगों के? हॉर्सशू मैग्नेट। ये डिवाइडेशन यहाँ से और एक डिवाइडेशन यहाँ से। इसके नीचे लिखना चाहो तो लिख दो, हॉर्सशू मैग्नेट। इज दैट क्लियर? अगले डायग्राम पे आ जाइए, ठीक है। यू शेप्ड ये हॉर्सशू है, ठीक है। ये हॉर्सशू है क्योंकि ये अंदर मुड़ी हुई है, ध्यान रखना। ये अंदर मुड़ी हुई है, ये इस तरीके से अंदर मुड़ी हुई है, ध्यान रखना। हॉर्सशू मैग्नेट है ये। अब आ जाइए यू शेप्ड मैग्नेट। यू में क्या करना है आप लोगों को? इस तरीके से बनाना है, दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा इक्वल। इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, और इस तरीके से ये हो गया आपके। आगे समझ में, कौन सी मैग्नेट हो गई ये आपके? जल्दी बताइए, यू शेप्ड कौन सी हो गई? यू शेप्ड, SHAPD, यू शेप्ड मैग्नेट। डायग्राम आप लोग बना लेना अच्छे से। इज दैट क्लियर? आगे चलें, सिलेंड्रिकल मैग्नेट क्या होगी? इस तरीके से ऊपर से मोड़ दीजिए, देख लीजिएगा, ऊपर से मोड़ करके और नीचे इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दीजिए ऐसे। इसको स्ट्रेट लाइन बना दीजिएगा नीचे से, इस तरीके से शेप दे दीजिए, ठीक है। ये कौन सी मैग्नेट हो गई? बीच में से डिवाइडेशन कर सकते हैं आप लोग, ये इस तरीके से डिवाइडेशन कर सकते हैं। नीचे लिखें सिलेंड्रिकल मैग्नेट। सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो गई। बटन मैग्नेट, ये हो गई बटन मैग्नेट, BUTTON बटन मैग्नेट। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा करना चाहें तो इस तरीके से आप लोग शेप दे सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से कलर करना चाहें, ठीक है, ये हो जाएगा बटन मैग्नेट। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये हो गया बटन मैग्नेट। आगे आ जाइए रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट पर चलते हैं। रिंग मैग्नेट ये इस तरीके से हो जाएगा। रिंग मैग्नेट बीच में बना दीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगा रिंग मैग्नेट, ठीक है। और नीचे लिख दीजिए आप लोग रिंग मैग्नेट। तो देख लीजिए, रिंग मैग्नेट हो गई, बटन मैग्नेट हो गया, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट और बार मैग्नेट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के हाउ मैग्नेट वर डिस्कवर्ड। अब इसमें मैं लिखाऊंगा नहीं क्योंकि ये काफी बड़ा है और ये सुनने का है, थ्योरी ये कहानी सी है, सुन लीजिएगा। हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, मैग्नेट्स को कहाँ डिस्कवर्ड किया गया था? तो भैया बहुत पुरानी स्टोरी है, एक ओल्ड स्टोरी है ये। क्या है? एक ओल्ड स्टोरी है, ठीक है। बताया गया था कि मैग्नेट्स का जो डिस्कवर किया गया है वो एक क्या बोल सकते हैं, मैग्नीज नाम का एक भेड़िया चराने वाला था। क्या था? मैग्नीज नाम का एक भेड़िया, मैग्नीज नाम का एक भेड़िया चराने वाला था। शेपर्ड का मतलब भेड़िया चराने वाला, ग्रीस देश का था। ये डेली का माउंटेन के पास में जाया करता था ग्रीजिंग के लिए, मतलब अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए माउंटेन्स के पास, चोटियों के पास अपनी भेड़ बकरियों को ले जाया करता था, ठीक है। इसके पास एक लकड़ी की स्टिक हुआ करती थी, वुडन स्टिक हुआ करती थी। ये रोजाना उससे अपनी बकरियों को हांकता और ले जाता। अब एक दिन क्या हुआ भैया, वो अपनी लकड़ी, अपनी बकरियों को यानी कि शिप्स को, गोट्स को वो क्या करता, मैनेज करता इससे, ठीक है, भेड़ों को बकरियों को मैनेज करता इस लकड़ी के सहारे। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, उसकी जो वुडन स्टिक का जो नीचे का सिरा है उस पर क्या बंधा हुआ था, जैसे ये उसकी लकड़ी थी, क्या थी, ये उसकी लकड़ी थी, तो नीचे की तरफ मुड़ा हुआ एक आयरन का पीस लगा हुआ रहता था उसकी लकड़ी पर, उसकी वुडन स्टिक पर नीचे की तरफ आयरन का पीस लगा हुआ रहता था। एक दिन क्या हुआ भैया, मैग्नीज क्या हुआ, जो अचानक से क्या हुआ, मैग्नीज मतलब ये जो मैग्नीज है, ठीक है, इस तरीके का मैग्नीज मतलब ये लड़का था, और ये क्या है कि अपनी जो वुडन स्टिक को ले जाया करता था, बड़ी बड़ी चोटियां पहाड़ हैं,
ठीक है, वहां पर अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता था। एक दिन ये गिर गया, क्या हो गया, ये फॉल डाउन, ये गिर गया तो इसकी लकड़ी भी नीचे गिर गई। तो हुआ क्या, देखिए नीचे गिर गया ये, सडनली फेल्ट हो गया। तो इसने क्या करा, अपने आप को मतलब जैसे ये गिरा तो इसके हाथ में क्या थी, वुडन स्टिक। तो ये अपनी वुडन स्टिक को खींचने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो खींची नहीं। क्यों, क्योंकि रोजाना जब ये अपनी वुडन स्टिक को लाया करता था तो जो पहाड़ी है वो किसकी, स्टोन की बनी हुई थी। धीरे धीरे वो मैग्नेट में कन्वर्ट हुई, किस में कन्वर्ट हुई, मैग्नेट में। तो उसकी लकड़ी के नीचे आयरन का पीस लगा हुआ था, इस आयरन के पीस को वो यानी कि जो स्टोन थे जो मैग्नेट बन चुके थे धीरे धीरे वो अट्रैक्ट कर रहे थे। अब इसने जब अपनी लकड़ी को खींचा तो वो खींची नहीं। क्यों नहीं खींची, क्योंकि गिर तो गया था और इसकी लकड़ी को कौन अट्रैक्ट कर रही थी, चोटियां पहाड़ियां अट्रैक्ट कर रही थी। ठीक है, तो इसे अट्रैक्ट जो इसकी लकड़ी थी स्टिक थी वो क्या है, वॉज अट्रैक्टेड बाय ए रॉक, एक पहाड़ी के ध्रुव चट्टानों के ध्रुव अट्रैक्ट की जा रही थी। जब उसे समझ में आया, ठीक है, और ये जो चट्टाने पहाड़े हैं ये रॉक्स हैं, ये क्या बन गई थी, नेचुरल मैग्नेट। कौन सी मैग्नेट बनी थी, ये नेचुरल मैग्नेट, क्योंकि वो डेली आता था और डेली उसकी लकड़ी नीचे रगड़ते रगड़ते चलती थी। मतलब इन पहाड़ियों पर वो अपनी लकड़ी को रगड़ते 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 वो चलता था। ठीक है, ये धीरे धीरे उसके रगड़ने से वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इस तरह वो मैग्नेट का पता चला। ठीक है, और जो मैग्नेट होती है वो अट्रैक्ट करती है आयरन को अपनी तरफ, ये आप लोगों को भी पता है। अच्छा, तो मैग्नेटाइट जो चट्टाने होती है उनके जो पीस होते हैं उन्हें नेचुरल मैग्नेट भी जाना जाता है। ये तो है भैया कि हाउ मैग्नेट वर डिस्कवर्ड, इस तरह मैग्नेट का क्या हुआ, डिस्कवरी हुई, मैग्नेट की डिस्कवरी हुई। कि मैग्नीज नाम का भेड़िया चराने वाला ग्रीस देश का था, अपनी भेड़ों को ले जाया करता था माउंटेन्स पर चराने के लिए, अपने साथ वुडन स्टिक रखता था, उस स्टिक के नीचे लोहे का पीस लगा हुआ था। एक दिन वो नीचे गिर गया तो उसकी स्टिक भी गिर गई, उसने अपनी स्टिक को खींचा तो वो खींची नहीं क्योंकि वो चट्टानों के थ्रू अट्रैक्ट की जा रही थी और चट्टाने क्या बन गई थी, नेचुरल मैग्नेट बन गई थी। चले आगे की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक डाले, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले एक लाइन रो लिख दीजिए, आप स्टार लगा करके लिख दीजिए, द पीसेज, पी आई ई सी ई है, द पीसेज ऑफ, जो चट्टान थी वो मैग्नेटाइट, द पीसेज ऑफ मैग्नेटाइट, टी आई टी ई, मैग्नेटाइट रॉक, आर ओ सी के। तो द पीस ऑफ क्या लिखा, द पीस ऑफ मैग्नेटाइट रॉक, ठीक है, इसे क्या जाना जाता है, आर नॉन, के एन ओ डब्ल्यू एन, नॉन एज नेचुरल, एन ए टी यू आर एन, नेचुरल मैग्नेट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, फुल स्टॉप। तो द पीस ऑफ मैग्नेटाइट रॉक यानी कि जो चुंबकीय चट्टाने हैं उनकी जो पीस है, ठीक है, मैग्नेटाइट रॉक पीसेस जो हैं आर नॉन एज नेचुरल, इन्हें क्या जाना जाता है, नेचुरल, एन ए टी यू आर ए एल, नेचुरल मैग्नेट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है, टॉपिक की हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, क्या डाला, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो भाई साहब मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, तो इसमें लिखिएगा दोज मटेरियल्स, मैग्नेटिक डाल दीजिए सबसे पहले, इसमें डाल दीजिए मैग्नेटिक, ठीक है, मटेरियल हेडिंग डाल दी ये तो है मेन हेडिंग, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें अगेन हेडिंग डाले मैग्नेटिक मटेरियल, ऐसे मटेरियल दोज मटेरियल, एम ए टी ई आर आई ए एल एस, ठीक है, दोज मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड, विच आर अट्रैक्टेड, ए डबल सी आर ए सी टी ई डी, विच आर अट्रैक्टेड, जो कि अट्रैक्ट की जाती है, ठीक है, बाय ए मैग्नेट। ठीक है, तो क्या लिखा, दोज मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, जो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट की जाती है, आर कॉल्ड, आगे लिखेगा एक सेकेंड, आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, फुल स्टॉप, इन्हें मैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है। आगे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, आयरन कॉमा स्टील, क्या क्या लिखा, नेक्स्ट लाइन से स्टार लगा दे लगाना चाहे तो, आयरन कॉमा स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट, एन आई सी के ई एल, निकेल एंड कोबाल्ट, सी ओ बी ए एल टी, कोबाल्ट आर, ठीक है, ये क्या है, अट्रैक्टेड, इन्हें ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्टेड बाय अट्रैक्ट, आर ए
ACTED अट्रैक्टेड बाय आयरन सॉरी बाय मैग्नेट, ये मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट हो जाते हैं बाय ए मैग्नेट, ठीक है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, सो आयरन कॉमा स्टील कॉमा निकेल एंड कोबाल्ट, कोबाल्ट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। नेक्स्ट लाइन में स्टार लगा लिखिए, द अदर मटेरियल, अब दूसरे मटेरियल भी मैं आप लोगों को लिखवा दूं, द अदर मटेरियल्स लाइक कौन कौन से हैं, जैसे स्विंग निडल सिलने की SEWING स्विंग निडल NEEDLE सिलाई करने की जो सुई होती है, ठीक है, हेयर पिन होती है, हेयर HAIR हेयर पिन होती है, पेपर पिन होती है PAPER पेपर पिन्स भी होती है, ठीक है, हेयर पिन पेपर पिन, ठीक है, ड्राइंग पिन भी होती है DRAWING ड्राइंग पिन्स भी आपने सुना होगा, ठीक है, हेयर पिन पेपर पिन ड्राइंग पिन्स, सेफ्टी पिन आपने सुना होगा सेफ्टी पिन, ठीक है, जो जो मेरे को याद आ रही है। तो स्विंग निडल सुने की सिलने की सुई है, हेयर पिन है, पेपर पिन है, ड्राइंग है, सेफ्टी पिन है, ठीक है, और चाकू की ब्लेड है KNIFE नाइफ ब्लेड BLADE नाइफ ब्लेड चाकू की ब्लेड होती है, ठीक है, सीजर्स सुना है कैंची SCISORS सीजर्स कैंची भी होती है, ओके, स्पैड SPADE खुराती जिसे मतलब कुर्ती टाइप, ठीक है, कॉमा ब्लेड BLADE ब्लेड भी होती है, और याद आ रहा है आप लोगों को नेल्स एक्सेट्रा आर ऑल मैग्नेटिक मटेरियल, ये सब क्या है मैग्नेटिक मटेरियल है MATERIALS फुल स्टॉप, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल से। आगे चलें, एक लाइन का गैप देकर के हेडिंग डाले नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, डैश लगाकर लिखें, दोज मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, अपोजिट में लिखना है बस, जो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट नहीं हो बाय ए मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल फुल स्टॉप, दोज मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहलाती है, ठीक है। अब नॉन मटेरियल में लिखिएगा एग्जांपल, पता ही है, वुड पेपर, और बताइए कॉटन, ठीक है, और क्या होता है प्लास्टिक रबर RUBBER रबर, क्लॉथ ग्लास लेदर LEATHER लेदर, और बताइए कॉपर COPPER कॉपर, एल्यूमिनियम कॉपर के बाद क्या लिखवाया है राहुल सर ने, एल्यूमिनियम है, ठीक है, ब्रास है, पीतल भी नहीं होता, ठीक है, ब्रास कॉपर एल्यूमिनियम ब्रास के बाद आप लिखे लेड सीसा, ठीक है, ये भी नहीं होता लेड, और क्या क्या है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, स्टोन है, स्टोन डायमंड ग्रेफाइट, पेंट करते हैं घरों पर वो भी नहीं होता ग्रेफाइट, पेंट करते हैं हम, चारकोल है CHARCOAL चारकोल है, कॉमा एयर है, पेंट है, ग्रेफाइट है, ये कुछ भी स्किन है हमारी, ठीक है, वाटर है, ठीक है, वाटर कॉमा स्किन हमारी खाल त्वचा कुछ भी अट्रैक्ट नहीं होता, एंड बॉन्स भी BONES बॉन्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब क्या है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, इतने एग्जांपल लिखवा दिए मैंने आपको। नेक्स्ट चलते हैं, स्किन एंड बॉन्स के बाद एक्सेट्रा लगा करके दो लाइन का गैप दे करके स्टार लगाइए, फर्स्ट स्टार लिखिए, मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स अराउंड अस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ज्यादातर हमारे चारों तरफ मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स अराउंड अस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, सेकेंड स्टार लिखिए नेक्स्ट लाइन में, मैग्नेट्स आर अट्रैक्ट ओनली मैग्नेटिक मटेरियल्स, कि मैग्नेट्स
जो अट्रैक्ट करती है केवल मैग्नेटिक मटेरियल्स को ही अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मैग्नेट्स आर नॉट अट्रैक्ट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट नहीं करती है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट स्टार पर चलते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा द स्टार लगा करके द पुल और अट्रैक्शन, Attraction, यानी कि पुल का मतलब खींचना होता है और अट्रैक्शन का मतलब ही आकर्षित करना है, खींचना होता है। द पुल और अट्रैक्शन ऑफ ए मैग्नेट, किसी मैग्नेट का खींचना या उसका अट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन या स्टील से वो आर पार नहीं जा सकता, ऐसे नहीं है कि आर पार चला जाए, ठीक है। मैग्नेट्स कॉमा लगा करके लिख सकते हैं, या कॉमा मतलब ये डायरेक्ट लिखें, कैन नॉट पास PASS पास थ्रू TH RO UGH, कैन नॉट पास थ्रू TH RO UGH थ्रू मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक कौन कौन से, आयरन एंड बात करें स्टील की, ठीक है, आयरन और स्टील के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, फुल स्टॉप, ठीक है। यहां तक तो कंप्लीट होता है, इसके बाद आ जाइए पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। नेक्स्ट हेडिंग डालें पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, किसी मैग्नेट के पोल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आपको बता दूं मैं, पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेट के मेनली देखा जाए तो टू पोल्स ही होते हैं, ठीक है, बार मैग्नेट में भी दो होते हैं। किसी भी मैग्नेट की बात करें तो पोल क्या होते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र, मैग्नेट का एक ऐसा रीजन होता है, क्षेत्र होता है जहां पर मैग्नेट की जो आकर्षण करने की क्षमता होती है या किसी ऑब्जेक्ट को खींचने की क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है। जैसे ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है, इसके दो पोल होते हैं, हर मैग्नेट के, एवरी मैग्नेट हैविंग द टू पोल्स, ठीक है, एन पोल एंड साउथ पोल, एन का मतलब नॉर्थ पोल, एस का मतलब साउथ पोल, ये दो पोल हो गए इसके। तो ये जो पोल्स हैं, इन पोल्स पर मैग्नेट खींचती तो पूरी मैग्नेट है, अट्रैक्शन फोर्स तो पूरी मैग्नेट ही लगाती है, लेकिन इसके दो जो दो पोल्स हैं, इन पोल्स पर अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये दो ऐसे पोल्स हैं, चाहे आप कोई से भी मैग्नेट की बात करें, हॉर्सशू मैग्नेट की, सिलेंड्रिकल मैग्नेट की बात करें, ठीक है, या आप हॉर्सशू मैग्नेट की, रिंग मैग्नेट की बात करें, या आप यू शेप्ड मैग्नेट की बात करें, ठीक है, सारे ही मैग्नेट के केस में इनके जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, इनके जो पोल्स होते हैं उन पोल्स पर अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा होती है। मतलब पूरे ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? चलें आगे की तरफ। तो लिखिएगा पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, इसमें लिखिएगा द रीजन, लिखिएगा द रीजन, REGION, रीजन का मतलब क्षेत्र, ऑफ ए मैग्नेट, क्या लिखा, द रीजन ऑफ ए मैग्नेट वेयर द अट्रैक्शन, WHERE, वेयर द अट्रैक्शन, ARRACTION, अट्रैक्शन ऑफ, किसका अट्रैक्शन, मैग्नेट का, मैग्नेट। आगे लिखिएगा मैग्नेट्स इज द, क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट, STRONGEST, मतलब द रीजन ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेट का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर मैग्नेट का जो, वेयर द अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का जो मैंने ये लिखवाया उसका अट्रैक्शन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। आगे लिखिए आर कॉल्ड, इसे क्या बोला जाता है, पोल्स ऑफ ए, ठीक है, मैग्नेट, इसे पोल्स ऑफ ए मैग्नेट बोला जाता है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब कितने पोल्स होते हैं, ए मैग्नेट, आगे लिखिएगा ए मैग्नेट हैज TWO टू पोल्स, एक मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं, ठीक है, कितने पोल्स होते हैं, टू पोल्स होते हैं, डैश लगा के लिखे नॉर्थ पोल एंड साउथ, SOUTH, साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल,
फुल स्टॉप लगा दीजिए। दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नीचे लिखिएगा द स्टार लगा करके लिख सकते हैं द टी डब्ल्यू ओ टू पोल्स द क्या लिखा द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेट के ही होंगे दो पोल्स, तो द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज दैट क्लियर आर नियर एन ई ए आर नियर इट्स फ्री एंड। इसके छोर क्या होते हैं फ्री होते हैं आर नियर फ्री एंड्स। ठीक है, जो छोर होते हैं वो फ्री होते हैं। ठीक है, और टू पोल्स जो होते हैं मैग्नेट्स के वो ऑलवेज डिफरेंट होते हैं। द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेट्स के जो टू पोल्स होते हैं आर ऑलवेज क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं फुल स्टॉप। द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट आर ऑलवेज डिफरेंट, ये एक दूसरे के क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार लगा के लिखें वन पोल पी ओ एल ई वन पोल ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट का जो वन पोल होता है वो क्या कहलाता है नॉर्थ पोल इज कॉल्ड। एक पोल तो क्या कहलाता है एन पोल, यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं नॉर्थ एन ओ आर टी एच नॉर्थ पोल इज दैट क्लियर। एंड आगे लिखें द अदर पोल ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड एस पोल, और ब्रैकेट में लिखें अदर पोल ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड एस पोल, और ब्रैकेट में लिखें आप साउथ एस ओ यू टी एच साउथ पोल इज दैट क्लियर फुल स्टॉप। यहां तक क्लियर हो गया, नीचे आ जाइए नेक्स्ट स्टार पर। एवरी जो जो मेरे को ध्यान आ रहा मैं लिखवा रहा हूं, एवरी मैग्नेट प्रत्येक चुम्बक क्या करती है या तो बड़ी हो सकती है छोटी भी हो सकती है वेदर बिग और स्मॉल। ठीक है, एवरी मैग्नेट वेदर बिग और स्मॉल छोटी हो चाहे बड़ी हो, छोटी मैग्नेट हो चाहे बड़ी हो रखेंगी दोनों पोल नॉर्थ पोल एंड आगे लिखेगा एवरी मैग्नेट वेदर बिग और स्मॉल हैज नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल फुल स्टॉप। इट इज इम्पॉसिबल आई एम पी ओ डब्ल एस आई वी एल ई इट इज इम्पॉसिबल टू हैव ए मैग्नेट हैविंग ओनली वन पोल। ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी मैग्नेट एक पोल ही रखे, सारी मैग्नेट दो पोल ही रखेंगे। चलते हैं डायग्राम पर, हेडिंग डालिए डायग्राम ऑफ पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के पोल बता रहा हूं इस तरीके की आपको बार मैग्नेट बनानी है बिल्कुल सीधी। देख लीजिएगा ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। इस तरीके से ये स्क्रप है, आयरन की स्क्रप इस तरीके से चिपकी हुई है। देख लीजिएगा इस तरीके से आप लोगों को चिपकानी है डायग्राम में। देख लीजिएगा क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, बहुत अच्छी बात। बीच बीच में भी ये स्क्रप इस तरीके से लगी हुई है, चिपक जाती है मैग्नेट पर। लोहे का चूर्ण ये चिपका हुआ है, यहां पर कुछ ज्यादा है, यहां पर क्या है यहाँ कुछ ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने यहां पर ज्यादा दिखा दिया, ऐसे ही साउथ पोल पर भी आप लोगों को ज्यादा दिखाना है। ठीक है, यहां पर भी मैंने ज्यादा दिखा दिया इज दैट क्लियर, यहां पर भी ज्यादा दिखा दिया एन पोल और साउथ पोल पर भी ज्यादा दिखा दिया और बीच बीच में थोड़ा कम हो गया। चलें लिखिएगा आगे, ये हो गया डायग्राम, ये हो गया आयरन फिलिंग्स एन एस बार मैग्नेट नाम दे दीजिए आयरन फिलिंग्स पोल्स ऑफ मैग्नेट। ये डायग्राम तो आप लोगों को बनाना है क्लियर। ठीक है, आयरन फिलिंग्स बार मैग्नेट पोल्स ऑफ मैग्नेट इज दैट क्लियर, ये हो गया डायग्राम। नीचे दो पॉइंट लिखने, ए पॉइंट तो लिख दीजिएगा द सेम टाइप ऑफ मैग्नेटिक पोल्स आर कॉल्ड लाइक पोल्स जिनके पोल सेम हो, जैसे एन पोल एन एन डैश एन और एस डैश एस पोल, इनमें रिपल्सन होगा मतलब एक दूसरे को फेंकेंगी। और बी लिखिए द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक पोल्स आर कॉल्ड अनलाइक पोल्स, ये अट्रैक्शन होगा एन एस और एस एन। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक है, नए टॉपिक्स के साथ, थैंक यू, बाय बाय।